केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई को जिस ऑटोमेटिक गन को चलाते हुए दिखाया गया है वो दरअसल अमेरिकी इंजीनियर जॉन ब्राउनिंग द्वारा बनाई गई ब्राउनिंग M1919 मशीन गन है, जिसका उपयोग 20वीं सदी में भारत चीन युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर और वियतनाम वॉर समेत बीसीओ लड़ाइयों में किया गया है। इस गन का प्रोडक्शन 1919 से 1945 तक किया गया, जिसकी दुनिया भर में 4.38 लाख से ज्यादा की सेल हुई। गाइस, इसके कुल 8 वेरिएंट्स आए और हर वेरिएंट पिछले वाले से अपग्रेडेड होता था। वहीं इस गन का वजन 14 किलोग्राम और बैरल की लंबाई 24 इंच थी। पर हैरानी की बात ये थी कि इस मशीन गन से 10 प्रकार की गोलियां दागी जा सकती थीं, इसलिए इसका उपयोग कई युद्धों में बेहद शानदार तरीके से किया गया। इसके शुरुआती वेरिएंट्स 1 मिनट में 400 से 600 गोलियां दागते थे, लेकिन बाद वाले वेरिएंट्स की फायरिंग कैपेसिटी 1200 से 1500 बुलेट्स पर मिनट थी। गाइस, स्टार्टिंग में इसकी कीमत 50,000 रुपए थी, लेकिन बाद में प्रोडक्शन बढ़ा तो कीमत कम करके 10,000 रुपए कर दी गई।